नमस्कार, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य FM, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़। आज हम BCOM पार्ट सेकंड के EFM के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इसके यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे आधारभूत संरचना विकास। इसमें आज हम बात करेंगे जल संसाधन, बैंक, बीमा और दूरसंचार के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जल भी आधारभूत संरचना में शामिल है। बिना जल के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कृषि हो, चाहे अपनी दैनिक क्रियाएं हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, सभी में जल एक संसाधन के रूप में काम आता है, तो इसके बिना कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अब हम देखेंगे राजस्थान में कितना जल संसाधन उपलब्ध है हमारे देश में। आज़ादी से पहले राजस्थान में जल उपलब्ध था 4 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई हो जाए, इतना जल पहले उपलब्ध था। यानी कि 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, इतना सतही जल हमारे पास था। और 2015-16 में सिंचाई की जो उपलब्धता है वह 3756 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। यानी आज़ादी के बाद इतने सालों में जो सिंचाई की क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया है, संसाधन विकसित कर दिए गए हैं। राजस्थान में सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें मुख्य है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके ऊपर 2015-16 में 1218.27 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नर्मदा नहर परियोजना पे 127.90 करोड़ रुपए 2015-16 तक खर्च किए जा सके हैं। और गंग नहर आधुनिकरण, ये गंगानगर ज़िले में है, जो INGP से ही निकलती है, इस पर 79.94 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। तो इस तरह ये जल संसाधन विकास का कार्य राजस्थान में तेज़ी से चल रहा है। अब देखेंगे कि राजस्थान में जो जल संसाधन विकास का कार्य है उसमें किन किन बाहरी जो देश है उनकी सहायता ली जा रही है। जापान की एजेंसी है JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, और एक दूसरी एजेंसी है यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो यूरोपियन देशों के सहायता से चलाई जा रही है। इसका संक्षेप नाम है EU SSP। इन दोनों की सहायता से राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है। EU SPP एजेंसी की सहायता से इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट IWRM राजस्थान राज्य के 11 जिलों के 82 ब्लॉक में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी IWRM कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 11 जिलों की हैं उनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर टैंकों का निर्माण भूमिगत कराया गया है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके। यानी जो पानी है वो बहके नदियों से और समुद्र तक नहीं पहुंच पाए, यानी पानी को जब तक रोक के धरती पर नहीं रखा जाएगा तब तक जल स्तर नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम है कमांड एरिया डेवलपमेंट। ये नहरी क्षेत्र जो हैं उनमें सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा प्रोग्राम है। और इसका उद्देश्य
जो रेगिस्तान की भूमि है उसको हरा भरा करना है, यानी रेगिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधाएं पहुंचा के राजस्थान में जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसको अच्छी पैदावार वाले क्षेत्र में बदलना है, वहाँ हरियाली विकसित करना है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस परियोजना का फेज फर्स्ट का कार्य पूरा हो चुका है और फेज सेकंड का कार्य प्रगति पे है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू आदि जिलों में सिंचाई की सुविधाएं विकसित की गई हैं और साथ ही यह नहर परियोजना है वह पीने के पानी का भी सप्लाई इन जिलों में करती है। इसके अलावा राजस्थान में भूमि पर उपलब्ध जल है वह झीलों में, नदियों में और बांधों में पाया जाता है। झीलों में अजमेर ज़िले की आना सागर झील और उदयपुर ज़िले में फतेह सागर, पिछोला झील, ये बड़ी झीलें हैं। इसके अलावा सांभर की झील जयपुर ज़िले में स्थित है और सिल्लीसैट झील अलवर ज़िले में स्थित है। ये राजस्थान में पानी के बड़े स्रोत हैं और इसके साथ ही माही नदी, ये 12 महीने बहने वाली नदी है और ये पूर्वी जो दक्षिणी राजस्थान है उनमें बहती है। और इसके साथ ही बनास नदी है, वह भी बरसाती नदी है, परंतु इसका पानी बनास बांध है उसमें इकट्ठा होता है और ये टोंक ज़िले में स्थित है बनास बांध, और इसके द्वारा टोंक, जयपुर आदि जिलों में पेयजल सप्लाई का कार्य पूरा किया जाता है। राजस्थान में देश की लगभग 10% क्षेत्रफल आता है, परंतु राजस्थान का जो भूमिगत जल है, जो स्रोत है, वह केवल 1% ही पाया जाता है। तो राजस्थान के साथ ये बड़ी विडंबना है और राजस्थान में जैसे जल संसाधन की तो हमेशा से कमी रही है, परंतु जब बारिश अच्छी होती है तो पेयजल की और सिंचाई के लिए जल की कमी नहीं रहती है, परंतु इसको जल संसाधनों को की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा के, और जो सतही जल है उसको बांधों में, झीलों में, इनमें रोक के राजस्थान में जल संसाधनों का विकास किया जा सकता है। और सरकार इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगतिशील भी है। अब हम देखेंगे राजस्थान में बैंकिंग विकास। 1 अक्टूबर 2015 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में एक बैंकिंग शाखा 53 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और उस क्षेत्र में रहने वाले एवरेज 11,424 व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह राजस्थान में बैंकिंग का परिदृश्य है। वैसे बैंकों की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम हैं और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, परंतु राजस्थान सरकार के द्वारा जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका कंसेप्ट लाया गया है और उसके द्वारा भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और साथ ही में प्रत्येक जो क्षेत्रीय जो नेशनल बैंक है, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, उनके द्वारा भी आजकल एक नई स्कीम लाई गई है, उसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में, गांव में बैंकिंग कियोस्क खोले गए हैं और उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इस प्रकार
बैंकिंग सुविधाओं के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में बीमा सुविधाओं की। सन 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसका संक्षेप में नाम है IRDA IRDA। ये जो संस्था है वह बीमा क्षेत्र पे कंट्रोल का काम करती है पूरे देश में। तो जब से IRDA की स्थापना हुई उसके बाद से निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीमा के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। उसके बाद से बहुत सी देसी कंपनियां और विदेशी कंपनियां निजी क्षेत्र की बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। उसके बाद से बीमा सुविधा प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक हो गई है, यानी बीमा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे दूर संचार की, टेली कम्युनिकेशन। तो कोई ज़माना था तब टेलीफोन बहुत कम मिलते थे, किसी के पास ही उपलब्ध होता था, हर किसी के पास नहीं था। 20 फरवरी 1997 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की गई। यह भी दूरसंचार क्षेत्र की एक नियामक बॉडी है, कंट्रोल करने वाली बॉडी है। और इसके बाद में निजी क्षेत्र को दूरसंचार के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। निजी क्षेत्र को अनुमति देने से पहले दूरसंचार की सेवाएं BSNL, MTNL इन सरकारी कंपनियों के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती थी, परंतु निजी क्षेत्र को अनुमति देने के साथ ही अनेक मोबाइल कंपनियां दूरसंचार के क्षेत्र में आ गई और उसके बाद में उनमें गहन कंपटीशन होता चला गया और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचता कि दूरसंचार आसानी से उपलब्ध हो गया। यानी कि ये सेवाएं हैं दूरसंचार की, टेलीकम्युनिकेशन की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और आज पूरे देश में ये सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। कोई व्यक्ति कभी भी चाहे अपने टेलीफोन का नया कनेक्शन ले सकता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति तक अच्छी तरह पहुँच गई है। वर्तमान में राजस्थान का टेलीडेंसिटी रेशियो 92.02 है और ये ट्राई की रिपोर्ट मार्च 2017 के अनुसार है। टेलीडेंसिटी रेशियो का मतलब होता है कि 100 में से कितने व्यक्तियों के पास टेलीफोन है, टेलीफोन की सेवाओं का प्रयोग कर रहा है, तो ये 92% पाया गया है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दूरसंचार क्षेत्र में भी राजस्थान में काफ़ी विकास हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।